कुछ ऐसे महान कलाकारों द्वारा बनाया हुआ खंजर या तलवार जिसका इस्तेमाल राजा हथियार के रूप में अपने युद्ध में लड़ने के लिए करता था, जो किसी को नहीं पता था कि वही तलवार जो भविष्य में काफी रेयर और काफी महंगी हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको जिन तलवारों के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी कीमत आज करोड़ों में है, जिसे जानकर आपके मन में इन तलवारों के प्रति महत्व बढ़ जाएगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। द जेम ऑफ द ओरिएंट नाइफ। बस्टर वालेंस्की नामक एक मामूली सा व्यक्थी जिसने 1966 में गिल हेवन द्वारा बनाए गए चाकू के तस्वीर को देखकर उसने खुद से चाकू बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वह असफल हो गया और वह मेहनत कर 1975 तक सभी पुराने चाकू को बना डाला। वह अपने 8 चाकू के लिए प्रसिद्ध हो गया क्योंकि उसने 1975 के बाद से किंग टूट के मकबरे में पाए जाने वाले सोने के खंजर का एक मनोरंजन बनाया, जिसे बनाने में उसे 5 वर्ष का समय लग गया। इस खंजर को 9 हीरे से बनाया गया था जिसका वजन 5 कैरेट का था। वालेंस्की ने इस खूबसूरत सा खंजर का नाम द जेम्स ऑफ द ओरिएंट रखा, जिसे नीलामी में करीब $2.1 मिलियन में बेचा गया। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो करीब 15 करोड़ रुपया होता है। शाहजहां का पर्सनल डैगर। यह खंजर शाहजहां का था, जो मुगल साम्राज्य के इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक था, जो 1627 से 1657 के बीच अपने शीर्ष पर पहुंच गया, जिसका खंजर एलिगेंट डिजाइन और सोने से सजे चांदी के ब्लेड से बना था। चूंकि यह मूल रूप से खोजा गया था, इसलिए इसे कुल 5 बार बेचा गया है, जो आखिरी बार US डॉलर में करीब $3.3 मिलियन में बेचा गया, जो इंडियन करेंसी में करीब 24.5 करोड़ रुपया होता है। 15 सेंचुरी का नसरीड पीरियड ईयर डैगर। जब इतिहास के नसरीड अवधि की बात आती है तो इस अवधि में कान का खंजर सबसे विशिष्ट योगदान हो सकता है, जिसे अफ्रीका में पहली बार बनाया गया था। इसका नाम कान का खंजर इसलिए रखा गया क्योंकि इस खंजर के आकार कुछ हद तक एक मानव के कान का जैसा होता है। ये कान का खंजर काफी नुकीली होती है, जिसे पहली बार यूरोप से स्पेन में लाया गया था। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान स्पेनिश लोग इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे, जिसे 2010 के नीलामी में US डॉलर में करीब 6 मिलियन में बेचा गया है। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो करीब 45 करोड़ रुपया होता है। नेपोलियन बोनापार्ट सॉर्ड। इस तलवार को नेपोलियन बोनापार्ट के कारीगरों ने बनाया था, जो तलवार 200 साल से भी अधिक पुरानी है और डिजाइन काफी असाधारण है। तलवार के हैंडल को सोने से सजाया गया था। नेपोलियन ने वास्तव में लड़ाई के दौरान इस तलवार का इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि ये अद्भुत तलवार फ्रांसीसी सम्राट की थी, जो इस दौर की दूसरी सबसे महंगी तलवार है, जो $6.5 मिलियन में नीलामी में बेची गई थी। इंडियन करेंसी में बात करें तो करीब 48 करोड़ रुपया होता है। 18 सेंचुरी का बोटेंग सेवर। 18वीं शताब्दी के इस तलवार को दुनिया के सबसे महंगी तलवार माना जाता है। इस तलवार को 1736 से 1765 के बीच क्वीन लॉन्ग नियम के दौरान बनाई गई थी। यह तलवार एस के आकार का काला डिजाइन एक सज्जित जेट हैंडल से बना है और ब्लेड को सोने, तांबे और चांदी से सजाया गया है। इस तलवार को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए तलवार में काफी कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया था। यह पहली बार 2006 में 5.5 बिलियन में बेचा गया था, लेकिन फिर 2 साल बाद 2008 में इसे नीलामी में $7.7 मिलियन में बेचा गया था, जो इंडियन करेंसी में करीब 57 करोड़ रुपया होता है।